हेलो दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव मुंबई इंडिया से बोल रहा हूँ। सिंपल मेडिटेशन, देखिए मेडिटेशन के बारे में हम लोग बहुत सारे कन्फ्यूजन लिए हुए रहते हैं अपने दिमाग में। व्हाट इज मेडिटेशन, हाउ टू डू इट, और बहुत सारी विधियों को हम करते हैं। मेडिटेशन का सिंपल इतना ही मतलब है कि किसी भी तरह से आप अपने थॉट प्रोसेस से बाहर निकल आए। ये जो 24 घंटे हमारा सोचने वाला मन है, इससे बाहर निकलना, बस इतना ही मेडिटेशन का मतलब है। माइंड से बाहर निकल जाना, यह समझ के साथ जान लेना कि मैं इस मन और शरीर से बाहर हूं। और उससे बाहर निकलने के लिए बहुत सारी टेक्निक है, हजारों की संख्या में टेक्निक है। जितनी विधियां खोजोगे आप, उतनी खोजते ही चलोगे और कोई ना कोई विधि को पकड़ लोगे। फिर क्या करोगे आप, विधि को पकड़ लोगे। विधि को पकड़ने से क्या होता है, हम फिर मन में उलझ जाते हैं। हमारा मन फिर एक माया जाल खड़ा कर देता है। हमारे मन की क्या फितरत है, वो हमेशा नई चीज़ को पकड़ना चाहता है। जब आप कोई नया गाना सुनते हो, नई मूवी देखते हो, नए लोगों से मिलते हो, आप बोलते हो अरे वाह ये बहुत अच्छी थी, अरे ये मेडिटेशन की विधि बहुत अच्छी थी। हर नई चीज़ में हमारा मन अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, उसे लगता है ये विधि तो बहुत अच्छी थी, इसके पहले हमने जो करी उनसे फायदा नहीं हुआ। मन विधियों में सत्य को खोजता है और मन उस सत्य को कभी भी नहीं खोज सकता, क्योंकि मन से मुक्त होकर ही सत्य को पाया जा सकता है। तो मन से मुक्त होने के लिए आप मंत्र का सहारा ले सकते हो। अब ये कौन से मंत्र होंगे, आप किसी भी एक मंत्र को अपनी सुविधा अनुसार चुन लो। ये ओम भी हो सकता है, ये क्लीम भी हो सकता है, ये ओम नमः शिवाय भी हो सकता है, ये कोई भी एक मंत्र जो आपके इष्ट देव का है, जिनमें आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है। आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब के हो, आप कोई भी एक होली वर्ड पकड़ लो, कोई भी एक पवित्र शब्द चुन लो और बस हमेशा उसी मंत्र को दोहराते रहो आप, दोहराते रहो आप, दोहराते रहो आप। तो आपका मन क्या होगा, आपका मन एक लयबद्धता में डूब जाएगा। आप अपने मन से बाहर निकल जाओगे, फिर आप देखोगे कि मन एक मंत्र को लगातार दोहरा रहा है और मैं मन से बाहर हूँ। अभी तो क्या होता है, मन विचारों में इतना ज़्यादा उलझ जाता है कि आप अपने आप को भूल ही जाते हो। वो अतीत की घटनाओं में बहा ले जाता है आपको, भविष्य की कल्पनाओं में उड़ा ले जाता है आपको, और आप वर्तमान का साथ तुरंत छोड़ देते हो। वर्तमान में तो हम जीते नहीं। सारी जिंदगी का अगर हिसाब लगाओगे ना, तो सारा जीवन हम अतीत और भविष्य के झूले में ही झूलते रहते हैं। वर्तमान का मजा तो कभी ले ही नहीं पाए, जो जिंदगी का असली मजा था। तो मन से अगर मुक्त होना हो तो आप कोई भी एक मंत्र चुन लो आप, और उसको अपने माइंड में उठते बैठते सोते जागते हमेशा रिपीट करते रहो, और फिर आपका मन उस मंत्र का हैबिचुअल हो जाएगा। वो अपने आप चैंट करता रहेगा, आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी को बोलते हैं अजपा जप, ऐसा जप जो बिना जपे अपने आप चलता रहे। जिंदगी में ऐसे ही होता है, एफर्टलेस एफर्ट होते हैं। मन में मंत्र चलता रहे और आप मंत्र से मुक्त हो जाओ। महर्षि महेश योगी ने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के थ्रू हजारों सफल प्रयोग किए। वो अपने शिष्यों को कोई मंत्र देते थे और वो शिष्य उनके बड़े विश्वास बड़ी श्रद्धा के साथ उस मंत्र को रिपीट करते रहते थे और मन से बाहर निकल जाते थे और ट्रांस में चले जाते थे। ट्रांस का मतलब ही क्या, ट्रांस का मतलब आर पार देख सके। आर पार देखने में बाधा क्या है, आर पार देखने में बाधा है मन। मन हमें ट्रांस में नहीं जाने देता। आप देखते हो ना, कोई चीज ट्रांसपेरेंट होती है तो हमें क्या दिखता है, आर पार दिखता है, इस पार से उस पार। तो कब हम देख पाते हैं, जब बीच का कांच एकदम साफ होता है, तभी ट्रांसपेरेंसी होती है, तभी हम उस पार की चीज देख पाते हैं। तो ठीक इसी समय, इसी तरह से जब हमारा मन पूरी तरह से शांत होता है, पूरी तरह से खाली होता है, उसमें एक भी विचार नहीं रहता, जब हम निर्विचार रहते हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ट्रांस की स्थिति। इस ट्रांस की कंडीशन में जितना आप आओगे तो क्या होता है, उससे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मन को ट्रांस में लाना पड़ेगा। ट्रांस में आप मन को कैसे ला सकते हो, किसी भी एक मंत्र का रिपीटिशन करके। जब आप रिपीटिशन रिपीटिशन करते रहोगे ना एक मंत्र का, तो आप उस मंत्र से बाहर निकल आओगे। इस बात को जरा आप समझो और चैंट करके देखो मंत्र को। और मेडिटेशन का ये बहुत ही आसान तरीका है, इसको आप अपना लो तो आप ध्यान की गहराइयों में गोते लगाने लगोगे और ट्रांसफॉर्मेशन को समझ सकोगे, और ट्रांस क्या है वो भी समझ जाओगे आप, और मन से बाहर निकल जाओगे। पक्का ये विधि काम करती है, अगर आप करें जरूर, और मुझे उम्मीद है आप करेंगे जरूर। इससे आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा,
और जीवन का आप सचमुच आनंद ले सकेंगे। अगर ये वीडियो या ऑडियो आपको पसंद आते हो तो जरूर इन्हें लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप कोई भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे जीवन उपयोगी ऑडियोज़ और वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इतने प्यार से मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।